आज हम बात कर रहे हैं रेडियोलॉजी ऑफ थोरेक्स। तो हम किस तरीके से एक थोरेक्स जो रीजन है उसमें जब एक्सरे लेते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें अपीयर होती है एंड किस तरीके से हमें उसको एलेबोरेट करना है। तो सबसे पहले हम टाइप के ऊपर चलेंगे कि हमारा जो ये जो एक्सरे हैं कि प्लेन है या कंट्रास्ट है, हमने कोई मीडियम यूज किया है तो उस पे चलेंगे। तो ये हमारा एपी व्यू है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से अगर एक्सरे व्यूज आती हैं तो उसे हम एपी व्यू बोलते हैं। अगर हम इस तरीके से खड़े हों कि हमारा जो एक्सरे जो रेस है उसका प्रोजेक्शन हमारे पोस्टीरियर पार्ट पे हमारे बॉडी के, तो उसे जो फिल्म हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं पीएवी। एक और है लिटरल यूकिपिटिस पोजिशन, उसमें जब हमारे जो लंग्स में कोई इफ्यूजन है तो उसको देखने के लिए हम लेटरल यूकिपिटिस पोजिशन पे लेके आते हैं पेशेंट को एंड उस तरीके से हम एक एक्सरे लेते हैं। तो जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट का वहाँ पे फ्लूड का एक्मुलेशन हो जाएगा, जैसे इस एक्सरे में हम इश्यू हो रहा है एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन है। हम देख सकते हैं इसमें कि पी ए व्यू किस तरीके से लिया जा रहा है एंड ए पी व्यू किस तरीके से लिया जा रहा है। मोस्टली जो ए पी व्यू जो बेड रिडन पेशेंट हैं जो खड़े नहीं हो सकते हम उनके लिए लेते हैं एंड जो छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे जिनको जो खड़े नहीं हो सकते स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह सकते उनका हम एपी व्यू कंसीडर करते हैं। एपी व्यू में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो हार्ट साइज है थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि मैग्निफिशेंट यहाँ पे जो एक्सरेज प्रेजेंट करती है हार्ट को एंड जो पी ए व्यू है हमारे हार्ट को उसी साइज में हमें परसेंट करता फिर हमें देखना है। तो उसके बाद में हमें देखना है जो हमारे ट्रेकिया है उसे देखना है कि वो डेविएटेड तो नहीं है। अगर वो जो डार्क शेडो हमें दिखाई दे रही है और एक तो बिल्कुल सीट में है तो हम एयरवे को प्रेजेंट करता है हमारे ट्रेकिया को ये प्रेजेंट करता है। दूसरा ये है कि हमारा जो लंग शेडो को हम देखते हैं तो हमें जो ये बिल्कुल डार्क शेप में ये हमारा लंग शेडो है हमें जो डार्क शेप में हमें दिखाई दे रहा है और जो ब्लैकिस इसका जो है ये पार्ट तो इसका मतलब है यहाँ पे एयर परसेंट है। और हमें यहाँ पे जो ये डायफ्राम हमें शो हो रही है हेमी डायफ्राम है हमारा यहाँ पे, ये राइट है डायफ्राम हेमी डायफ्राम है और ये लेफ्ट हेमी डायफ्राम है। तो यहाँ पे जो शेडो हमें यहाँ पे रिब का शेडो हमें शो हो रहा है एंड यहाँ पे जो डायफ्राम है एक एंगल फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल एंड ये कोस्टोफ्रेनिक रिसेसेस हैं यहाँ पे एंड ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्लिनिकल पर्पज से क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूड का एक्युमुलेशन हो जाता है एंड सम टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन भी अपीयर होता है। तो इस तरीके से ये जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन भी होता है तो ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है तो यहाँ पे जो फ्लूड है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। दूसरा है हमारा हार्ट शेडो जिसको हम शिलॉट शेडो भी बोलते हैं एंड जो हमारा हार्ट है यहाँ पे एंड ये
ये जो हार्ट है यहाँ पे आके टच कर रहा है, एंड जो हेमी डायफ्राम है ये एक एंगल फॉर्मेशन बोलते हैं जिसको हम कार्डियोफ्रेनिक एंगल बोलते हैं। एंड अगर हम कार्डियोमेगली देखना है तो नॉर्मली जो हार्ट का साइज जो होता है उसका डायमीटर जो थोरेक्स का जो डायमीटर होता है उसका हाफ होता है। ये जो डायमीटर है ये कंप्लीट जो थोरेक्स का डायमीटर है उससे हाफ होना चाहिए, मतलब 50% होना चाहिए तब ये हार्ट एक नॉर्मल साइज में है। अगर हमें 50% से ज़्यादा शो हो रहा है तो यहाँ पे कार्डियोमेगली प्रेजेंट है। दूसरा है कि अगर कोई डिफॉर्मिटी है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है कि क्लिनिकल यहाँ पे कुछ अबनॉर्मलिटी फॉर्मेशन हो रही है तो हम इसको देख सकते हैं। जो हमारे एंगल हैं वो हमारे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, एंड कुछ फ्रैक्चर अगर हिप्स एंड स्पाइन वगैरह का फ्रैक्चर के थ्रू कुछ क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये था थोरेक्स के बारे में, कोर्ड थोरेक्स के बारे में। सो थैंक यू।